की बात करते हैं, क्या है वो गाना? और हमने सुना आप डायरेक्शन कर रहे हैं पहली बार, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर? डायरेक्शन तो तीसरी बार है, बट सिर्फ डायरेक्शन फर्स्ट टाइम है, बिकॉज इससे पहले दोनों म्यूजिक वीडियोज में मैंने खुद फीचर हुआ हूँ मैं, तो ये पहला गाना है जिसमें मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया है और स्टोरी मेरी तरफ से आई थी। और पहली बात तो मैं कहूँ कि देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, हम क्रिएट चीज़ें करते हैं, ताबिश गाना कंपोज करता है, प्रोडक्शन करता है, गाना उसके अंदर कुछ दिल से आता है, कुछ बनाता है, वो म्यूज़िक बनती है, फिर उसके बाद एक गाना लिरिक्स आते हैं। इट इज़ बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, और वो बहुत दिल से निकलती चीज़ें और वो एक प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट वो मुझे सुनाता है, तो मेरे दिमाग में जैसे वो प्रोडक्ट सुनता हूँ मैं, दो तीन चीज़ें हमें इमीडिएटली आने लगती है कि सडनली मुझे इस बार आया कि मुझे वादियों में होना चाहिए इस वक्त, इस गाने के वक्त। तो वी इमीडिएटली केम टू अ डिसीजन कि चलो यार, इस दिन दो दिन तीन दिन जाके शूट करके आते हैं। तो हम लोग निकल गए बैठे बैठे, हम लोग वहाँ पहुँचे, एक दिन हम लोग ने पूरा दिन रिकी किया, दूसरा दिन हम लोग को गाड़ियाँ का सिलेक्शन हो रही है, दूसरे दिन जब बैठे हैं हम लोग रात में इसमें अपने रूम्स में, तब गाड़ी की सिलेक्शन हो रही है कि कौन सी गाड़ी ले आएँ, हम प्लॉट ही नहीं ना अपने पास, तो गाड़ी देखी हम लोग ने, मैंने कहा ये विंटेज गाड़ी लिया, तो उसने वो गाड़ी ले आया, वो गाड़ी ऐसी वहाँ कसम चल ही नहीं रही, फिएट थी वो और विंटेज वाली और बहुत लवली लुकिंग कार, बट वी वर्कड इट आउट, 7 hours वी शॉट 6 locations इन देहरादून एंड वी फिनिश रैप्ड अप इन 6-7 hours, तो बट मैडनेस रहा है। एंड द सॉन्ग इज ऑल अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट जर्नी, लव, व्हेन टू पीपल हु आर इन लव विद ईच अदर, व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे आर नॉट रोमांसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रोमांस नहीं है, बस दोस्ती है, इन्जॉयमेंट है, एक दूसरे के साथ फ्रीक आउट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का बुरा नहीं मान रहा, ना कोई एक दूसरे से चिढ़ रहा है, ना मनाने की बातें हैं, जो कॉमन नॉर्म्स है ना प्यार के, कि एक रूठ जाता है तो दूसरा मनाने को जाता है, वो शर्माती है, ये शर्माने को, उसको ये करता है, उसको पास लाता है, ये सब हम लोग ने खेला नहीं है। इस बार मैंने कम्प्लीटली कुछ अलग करने की कोशिश की, जो हर बार मैं करूँगा होपफुली, एंड दिस टाइम इट वॉज सिंपली द फैक्ट दैट टू पीपल व्हेन दे कम टुगेदर एंड जस्ट हैव फन, दैट इज़ व्हाट लव इज़। वो टू पीपल कौन? वो है ताबिश और वेदिका भंडारी, जो कि एक बहुत ही स्वीट लड़की है और बहुत अच्छा काम करती है। और ताबिश का मैं कहूँ तो पहली बार आई एम डायरेक्टिंग हिम, तो आई हैड लिटिल लेसर एक्सपेक्टेशंस, बट मुश्किल होता है कि आसान हो जाता है, क्योंकि आप जिसको जानते हो उसको डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है या बहुत ही मतलब आसान होता है? दोनों होता है एक्चुअली। मुश्किल के तौर पर अगर कहूँ तो बहक जाना ईजी है ना, क्योंकि दोस्त हैं, छोड़ दें कर लेंगे, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, पर उस टाइम पे लाना ज़रूरी है वापस। मैंने कहा सुन, कि कुछ भी हो जाए, काम चल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है वापस यहाँ पे रह, इधर पे रह, मैं कुछ बोल रहा हूँ सुन, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। पर इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ही इज़ ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, सो ही नोज़ द फील ऑफ द सॉन्ग, है ना, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वेदिका को भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब पहला शॉट हम लोग ने लिया भागते हुए, एक शॉट है, तो पहला शॉट की एनर्जी जो आई ना इन दोनों से, वहीं पे पूरा गाना सेट हो गया हमारे लिए, पूरा मूड सेट हो गया, तो शाम तक वही एनर्जी मेंटेन करके रहे लोग। और सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ऑन अ सेट, वेर एवर इट इज़, डायरेक्टर की एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, तो ही नीड्स टू टेक द एंटायर टीम टुगेदर, यूनिट टुगेदर। तो मैं तो पसीनों में लत, वादियों के बीच में, पहाड़ों में ठंड है, लेकिन मुझे पसीना छूट रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ। एक गाड़ी का शॉट था, गाड़ी के बोनेट के ऊपर अपना कैमरामैन बैठा है, DOP बैठा है, और वो गाड़ी चला रहा है ताबिश, और मैं उसके सामने भाग रहा हूँ, मैं कहा थोड़ा उसको देख, उसको देख, चिप्स फेंक, चिप्स फेंक, ठीक है वो डायरेक्शन तो करना है, कैसे करूँ मैं, अभी मैं भाग रहा हूँ सामने गाड़ी के। तो ऐसे ऐसे करके शूटिंग हुई है, तो मज़ा तो बहुत आया यार। सबसे ज़्यादा एक्टिंग आसान है या डायरेक्शन आसान? तो एक्टिंग है, क्योंकि ज़्यादा कर चुका हूँ मैं, डायरेक्शन नया है ना, तो इट टेक्स लिटिल मोर टाइम फॉर मी टू फिगर इट आउट, बट आई लव बोथ, आई लव एनी थिंग दैट इज कमिंग टू क्रिएटिविटी, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस गाने में वही है, जितना मज़ा हमें शूट करने में आया है, उतना मज़ा आप लोगों को देखने में भी आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। यू शुड वॉच इट एंड जस्ट इन्जॉय अनदर न्यू फ्रेशनेस टू एवरीथिंग, कम्प्लीटली समथिंग न्यू, वी हैवंट डन द वेरी ओल्ड नॉर्म्स ऑफ यू नो, हवाएँ चल रही हैं, दुपट्टे उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हम लोग ने नहीं किया इस बार, हम लोगों ने बहुत फ्रेश रखा है, और मैंने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है इस म्यूजिक वीडियो में, तो होपफुली इट वर्क्स आउट। एंड वर्क्स आउट क्या, मैं तो कहता हूँ कि बिना बायस्ड होके देख लो, अच्छा लगे बहुत बढ़िया, अच्छा ना लगे तो गालियाँ दे दो, कोई बात नहीं, देख लो, मज़ा आएगा तुमको बस। हाँ अभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका प्रोजेक्ट रातों रात हाथ से निकल गया हो,
या ऐसी चीज़ों की वजह से हाँ से चला गया और आज भी उसी चीज़ की कसक है आपके अंदर? ऐसी चीज़ों की वजह से तो नहीं, पर ऐसे बहुत बार होता है यार इंडस्ट्री में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये होती हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट आपके हाथ में होता है और फिर वो फिसल जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, पर हो जाता है। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड इट इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू सिट बैक एंड से कि यार शिट यार वो हो जाता तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती, ये होता वो होता। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, आप उसको डील करो, दुख जितना भी आपका दर्द है तकलीफ उठाओ, बट नो दैट दिस इज़ अ फेज, इट हैज़ टू पास, और उससे आगे बढ़ो, वो ज़रूरी है। अगर आगे नहीं बढ़ो, उसी में अटक जाओ, तो कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि जो आपके हाथ से गया हो? अब 1983 फिल्म, हाँ आई थिंक आई वॉज दिलीप वेंगसागर का जो कैरेक्टर था उसमें ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, पर वजह अलग थी, जो भी वजह थी आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज देयर, इट वाज फाइनल, एवरीथिंग वाज देयर, ऑडिशन वेंट वेल एंड आई थिंक द माय क्रिकेट का मैंने वीडियो भेजा था, वो भी बहुत बढ़िया गया था, फिर वजह पता नहीं क्या थी, पर इट वेंट एंड वो दो तीन दिन चार दिन दुख होता है उस चीज़ का, लेकिन आगे बढ़ जाते हो आप। ठीक है, मैं वैसा हूँ कि मैं किसी चीज़ पर ज़्यादा दिन रुकता नहीं हूँ, तकलीफ नहीं उठाता हूँ, अपने आप को उस प्रोसेस फील करने के लिए देता हूँ, फिर आई नो बिलीव आई हैव टू मूव अहेड एंड लेट इट गो, सो आई लेट इट गो ऑन। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो उस चीज़ों को समेटने की क्षमता है, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। एज ए एक्टर, बीइंग एक्टर, क्या चैलेंजिंग इस इंडस्ट्री में आपको लगता है एज ए एक्टर? टू बी एबल टू सेलेक्ट, टू बी एबल टू मेंटेन योर थॉट ऑफ वर्क, योर प्रोसेस, टू बी एबल टू नॉट गेट सकम टू द कंडीशंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है कि आप एक जर्नी शुरू हुई आपकी, उस जर्नी में आप सिर्फ आगे बढ़ते रहें ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको होल्ड बैक भी करना पड़ता है, एक दो स्टेप कदम पीछे लेना पड़ता है ताकि फिर एक लंबा जंप मार सकते हो। तो उस प्रोसेस में आपको कहाँ पर इस चीज़ को होल्ड बैक करना है, कहाँ पर पीछे जाना है, कहाँ पर आपको जंप वापस छलांग मारनी है, ये ज़रूरी जानना ज़रूरी है, और ये हर बार करेक्ट नहीं होता, कभी कभी इनमें गलतियाँ हो जाती हैं, और वो गलतियों को सुधारना भी मुश्किल चीज़ है, उन गलतियों के साथ डील करना भी मुश्किल चीज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव इंडस्ट्री वेर यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग दैट यू डू, बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। ओके, चूँकि डिजिटल दौर है, अगर आपसे जानना चाहें कितना एक्टिव रह पाते हैं आप या नहीं रह पाते? इन सोशल मीडिया नहीं हो पाता है मुझसे यार, मेरा स्पेस है नहीं, वो कम करता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्ती के बाद मैं एक फ़ोटो शूट कर जाता हूँ और वो फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, लेकिन है आई नो, बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट मुझे, हाँ मुझे वो चीज़ अलाउ नहीं करता, पर आई थिंक माई ऑडियंस ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो तो हर कोई कर रहा है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ अलग करने के लिए कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर वो है नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो लग अगर अलग रहा है तो अच्छी बात है, तो एज एन आर्टिस्ट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट आजकल नया ट्रेंड चला है, कह सकते हैं ट्रेंड, क्योंकि एक्टर के सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर्स हैं इस हिसाब से भी लोग कास्टिंग करते हैं, ऐसा भी हो रहा है आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, तो ऐसा हो रहा है, हाँ होता है, ऐसे होता है, मैंने सुना है ऐसी चीज़ें होती हैं, और जब उस वक्त भी होता था जब मैं नया नया था, और तभी भी मेरे दोस्त मुझसे कहते थे, मेरे दोस्त स्पेशली कहते थे कि यार तुझे तब सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहिए, तो नहीं करेगा तो काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री ऐसी ही है, अभी आजकल वही चल रहा है, जो फॉलोअर्स जिसके पास हैं उसी को काम मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद काम मिला मुझे, और अच्छा मिला, और मुझे लगता है कि आज हाँ इंशाल्लाह, तो आज मुझे लगता है कि आज नाम जितना भी है, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन लोग का एक ही कॉन्सेप्ट है, उन सबका एक ही चीज़ से प्यार है कि मेरा, मैं एक्टर हूँ और मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं काम क्वालिटी में मानता हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझ में नहीं है वो, लेकिन मैं किसी और चीज़ में बेस्ट दे रहा हूँ अपना, तो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स, व्हाटएवर यू आर बेस्ट इन यू डू दैट, लाइक दीज इन्फ्लुएंसर्स आर गुड एट व्हाट दे डू मैन, आई एम टेलिंग यू, उनका कॉन्टेंट देखे हो आप तो कितना मज़ेदार कॉन्टेंट होता है, मैं देखता हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करूँ वहाँ पर उस चीज़ को करने के लिए। इसके अलावा यू नो सोशल मीडिया पर एक और लोग हैं जो हमेशा निगाहें जमा कर रखे रहते हैं, ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं हम, कैसे आप हैंडल करते हैं उनको, मतलब चुप रहते हैं या उनको जवाब देना ही पड़ता है? ना ना, जवाब देना ज़रूरी नहीं, हंसता हूँ मैं तो, हम हंसते हैं बैठ के जितने भी लोग होते हैं, इट कीप्स मी ग्राउंडेड आई थिंक, बाकी जो
मेरे जेन्युइन फैंस हैं जो प्यार करते हैं, वो इतना हाइप करते हैं कि कभी कभी पॉसिबल है कि आप अपने आप को बहुत हवा में पाओ, लेकिन ये चीज़ें ना जो आपको नीचे लाती हैं। ठीक है तो इंसान ही ना, लोग पसंद करेंगे कुछ, लोग ना पसंद करें कुछ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम किसी चीज़ से होती नहीं है, पर ये मज़ा आता है मुझे ये देख के कि नॉन कॉन्सेप्चुअल बातों पे कैसे कोई बात कर सकता है, मतलब सेंस नहीं बनता जिसमें, उस पर कैसे ट्रोल कर सकता है कोई। तो इट इज़ फनी एंड आई वी लाफ इट ऑफ वेरी वेल, और कभी कभी वेरी ह्यूमरसली आई रिप्लाई टू सम ऑफ देम, विच इज़ फॉर विच दे समटाइम्स डिलीट देयर ट्वीट्स आल्सो। तो ऐसा कोई पर्सनली लाइफ में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, प्यार जो करते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है, और नफ़रत तो ऐसी होनी ही है। नफ़रत इज़ अ वेरी वेरी बेसिक स्टफ, इट डजंट, यू डोंट हैव टू गिव इट टू मच फायर।